हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो हमने आपका फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन फिनिश हो गया अभी हमारा। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे उस पर, ठीक है। तो एनसीईआरटी का कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन रहेंगे वो हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया हुआ है, हमें गिवन है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकाला। अब पता है मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मास परसेंटेज इज इक्वल टू किसका, जिसका मास निकालना होगा, जिसका मास गिवन होगा वो लिखना हमें, मास ऑफ बेंजीन गिवन है डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है, मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो मास ऑफ बेंजीन कितना गिवन आपको, 22 ग्राम, और मास ऑफ बेंजीन कितना था, 122 ग्राम प्लस मास ऑफ CCl4 वो कितना गिवन है, 122 ग्राम। अब परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई बाय 100, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 22 डिवाइडेड बाय 144 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 15.28%, ठीक है। अब ये किसका परसेंटेज निकलेगा, मास ऑफ, मास परसेंट ऑफ बेंजीन, तो अब मास परसेंट ऑफ बेंजीन निकल गया 15%। अब टोटल सोल्यूशन टोटल कितना होगा, 100%, तो 100 में से माइनस कर दो किसना कितना, 15.28%, तो आपको मिल जाएगा मास परसेंट ऑफ CCl4, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो मास परसेंट किसका मिल जाएगा, CCl4, 100 में से इसको माइनस करोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगा 84.72%, ठीक है। तो ये था, हमने हमने निकाल लिया कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ योर बेंजीन, और जब 100 में से माइनस करोगे इस वैल्यू को तो आपको मास परसेंट किसका मिल जाएगा, CCl4 का, ठीक है। तो फार्मूलाज डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करना था, कुछ नहीं था, तो ये है कि फार्मूलेज आपको आना चाहिए, ठीक है। सेकेंड जो हमारे पास था, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, मोल फ्रैक्शन गिवन है, तो मोल फ्रैक्शन आपको पता है किससे डोनेट करते थे हम, काई से। अब किसका निकालना है, बेंजीन का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, अब हमें पता था कि क्या लिखते थे, नंबर ऑफ मोल्स इसके निकालना है और डिवाइडेड बाय टोटल, तो किसका निकालना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ CCl4, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड, आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते थे, वेट और डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। तो इसी तरह जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का, उसका भी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड डिवाइडेड बाय मास। तो अब बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, C6H6। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो 6 इन, अब पता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो 6 × 12 प्लस इसका हाइड्रोजन का मास 6, तो ये कितना हो जाएगा, 72 + 6 इज इक्वल टू 78, तो इसका मास कित मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 78 बेंजीन का। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो कितना परसेंट दिया है बेंजीन का, 30%, तो कितना आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास, 78। इसी तरह बेंजीन का कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 78। अब 30 में से टोटल कितना परसेंट सोल्यूशन होगा, 100, तो 100 में से 30 गया तो कितना बचा पीछे, 70, 70 आपका क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4,
ठीक है। अब CCl4 का एटॉमिक मास निकालना होगा, तो इसका जो एटॉमिक मास सम निकालेगा वो हमें मिलेगा 154। ठीक है, इसको जब सम करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 154। और जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू आता है 0.458। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे कटिंग वटिंग करके, आपका आंसर आएगा 0.458। तो ये आपको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल। अब फॉर्मूलेज आपको आना चाहिए, ठीक है। सिंपल फार्मूला अप्लाई किया, सब कुछ गिवन था हमें, 30% ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास, 30% दिया था बाय मास। तो क्या किया, वेट लिखा 38, 30 और उसका मॉलिक्यूलर मास लिखा 78। इसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड का, अब जो बचा वो कितना था, 70। 30 अगर उसका है बेंजीन का, 70 किसका हो जाएगा, CCl4 का, तो डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास जो था वो 154। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, जो इसका एटॉमिक मास इसका सम होगा एलिमेंट्स को, उसको सम करके हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मोलैरिटी। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। फर्स्ट में क्या है, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, 6 टाइम वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन, 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब देखो मोलैरिटी तो आपको पता है क्या होता है, मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व बाय पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको पता है क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ इसको डोनेट कर लो सोल्यूट, बी को डोनेट कर दिया मैंने सोल्यूट का, और डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या था, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा किसमें, लीटर में। अब देखो गिवन देखो क्या क्या है, 30 ग्राम गिवन है हमें, ठीक है, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट। अब कोबाल्ट नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास अगर निकालोगे तो इसका आता है आपके पास 291 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, इन सब के एटॉमिक मासेस का सम, ठीक है, एटॉमिक मासेस का सम करोगे तो 291 आ जाएगा। अब वेट वेट कितना गिवन है, 30 ग्राम, तो 30 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 291, कितना आ जाएगा, 291 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर गिवन आपको 4.3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 30 डिवाइडेड बाय 291 इंटू 1/43 इंटू, नीचे क्या आएगा, 10, इस 10 को ऊपर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे, इस पूरा इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमारे पास आता है 0.024 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये आपके पास मोलैरिटी निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन था, वेट गिवन था, मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लिया, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन था। अब सेकंड केस है आपका, उसमें क्या गिवन है आपको, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन, 0.5 मोलैरिटी गिवन है। अब देखो जब मोलैरिटी गिवन होगा ना, तब हम दूसरा इक्वेशन यूज़ करेंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, उस केस में हम इक्वेशन थोड़ा सा दूसरा इक्वेशन यूज़ करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, तब हमारे पास सेकंड केस आ गया 30, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड वाला केस है। ठीक है, इसमें इसमें हम इक्वेशन यूज़ करेंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब देखो मास M1 गिवन है 30 ml, सॉरी मोलैरिटी गिवन है 0.5, तो ये आ गया 0.5 मोलर। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है 30 ml इज इक्वल टू M2 फाइंड करना है, इंटू V2 गिवन है कितना, 500 ml। ठीक है, और यहाँ से M2 अगर निकालना है तो M2 को हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसको 500 को इसके नीचे ले जाएंगे, 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 500। और जब आप M2 को सॉल्व करोगे, इस पूरा इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आपके पास वैल्यू मिलेगा 0.03 मोल इनवर्स मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड न्यूमेरिकल हो गया, इसमें हमने आपको फाइंड करना है मोलैरिटी। फोर्थ देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी तो आपको पता था क्या होता था,
ठीक है, मोलरिटी का डेफिनेशन किया हुआ हमने। तो देखो इसमें क्या होगा, जीरो पॉइंट इसका मीनिंग क्या होगा कि 0.2.5 मोल्स ऑफ डिजोल्व करते हैं कितने में, 1 kg में, ठीक है। इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, 0.25 मोल्स हम डिजोल्व करते हैं कितने में, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। 1 kg किसके बराबर हो गया, 1000 ग्राम। तो अब देखो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का, नंबर ऑफ मोल्स को अगर फाइंड करना है तो वो क्या होता था, वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास, ठीक है। तो अब देखो इसका जो मॉलिकुलर मास होगा वो क्या हो जाएगा, 60। जब कैलकुलेट करोगे इसका मॉलिकुलर मास आएगा 60। अब यहाँ से हमें वेट निकालना है, तो मोल्स नंबर ऑफ मोल्स गिवन है कितने आ जाएगा, 0.25, 0.25 इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास। तो मॉलिकुलर मास कितना आ गया, 60। तो इसको फिल कर दो, क्या आ जाएगा 60। तो वेट किसके बराबर हो जाएगा, 0.25 × 60 इज इक्वल टू 15 ग्राम। जब अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 ग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना था, 1 kg में 1000 ग्राम, ठीक है। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, अब उसमें क्या है, 15 ग्राम आपका ये प्रेजेंट है यूरिया। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 1000 + 15, तो 1015, ठीक है, 105 ग्राम। अब देखो हमारे पास अगर 115 ग्राम में, 1015 ग्राम में हमारा कितना ग्राम है यूरिया, 15 ग्राम। तो अगर हमें यहाँ पे क्या, 2.5 kg, अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 2500 ग्राम में कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 1015 मल्टीप्लाई 2500, ठीक है। यहाँ पे देखो टोटल किस टोटल टोटल कितना आ जाएगा, 1000 + 15, तो ये टोटल मिल जाएगा ना आपको, कि टोटल सोल्यूशन में क्या क्या है, 1000 + 15 ग्राम आपका ये आ गया यूरिया, दोनों को सम किया 1015 ग्राम। अब 1015 ग्राम में 15 ग्राम आपका यूरिया है, ठीक है। अब उसने पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg। अब केजी को कितने किस में कन्वर्ट कर लो, ग्राम में, तो वो कितना आ जाएगा, 2500 ग्राम। तो 2500 ग्राम अगर 1015 ग्राम में इतना है, तो 2500 ग्राम में कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 1015 मल्टीप्लाई बाय 2500। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 37, ठीक है। जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व जब करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगा, 36.9 आता है, ठीक है, 36.9 और अप्रॉक्सीमेटली 37 ग्राम। तो ये आपके पास इतना जो अमाउंट है वो 2.5 kg में आपको डालना पड़ेगा, 37 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे हम सुक्रोज को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम वाटर में ऐड कर रहे हैं, सो दैट उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 19.63 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री। तो ये किसका, कौन सा केस हो गया हमारे पास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आपके पास सुक्रोज का फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है C12H22O11। तो इसका मॉलिक्यूलर मास जब फाइंड करोगे तो वो आ जाएगा 342 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास ये निकल जाएगा। अब देखो डेल्टा टी भी निकालना है, डेल्टा टी भी, क्योंकि अब देखो ये क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 99.63 डिग्री सेल्सियस,
तो 100 माइनस 99.63 डिग्री सेल्सियस आपको क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू आएगा आपको 0.37। ये क्या निकालेगा, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो डेल्टा टी बी किसके बराबर था, डेल्टा टी बी निकालना है तो अब क्या पूछा उसने, वेट ऑफ हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, वेट निकालना है सुक्रोज का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला, जब हमने इसका एक्सप्रेशन फाइंड किया था क्या होता था वहाँ पे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन मास ऑफ पी डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन डब्ल्यू ऑफ ए इंटू के बी, ठीक है। यहाँ पे के बी आपको गिवन है 0.52, ठीक है। यहाँ पे के बी का वैल्यू गिवन है 0.52। अब देखो कर दो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट तो आपको मिल जाएगा, डेल्टा टी बी आपने निकाला है कितना 0.37। अब वेट ऑफ सोल्यूट बी कितना है ये आपको निकालना है, ठीक है। वेट ऑफ सुक्रोज तो डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास आपने फाइंड किया 342 मल्टीप्लाई 1000। अब वेट ऑफ ए, तो वेट ऑफ ए कितना गिवन है 500 ग्राम, ठीक है। और मल्टीप्लाई आपका के बी कितना हो गया 0.52। तो यहाँ से डब्ल्यू बी इधर, तो इसको इधर ले जाओ, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को इधर ट्रांसफ़र कर लो इस साइड, ये जितना भी वैल्यू है सारा इस साइड ट्रांसफ़र करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 121.67 ग्राम, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना इन सारी इक्वेशंस को, डब्ल्यू बी को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये सारा करके आपके पास ये आंसर आना है 121.6 ग्राम, ठीक है। पता लग गया कैसे निकालना था हमें। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड को क्या है, विटामिन सी, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H8O6 टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5। तो ये कौन सा केस हो गया, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या हो रहा है, लोअर हो रहा है ना मेल्टिंग पॉइंट, तो ये हमारे पास क्या कौन सा केस हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको मॉलिक्यूलर, पहले तो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे C6H8O6 इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो हमारे पास आएगा 176। मॉलिक्यूलर वेट तो आएगा ना निकालने, यहाँ पे क्या करना है, ये C6, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 6 × 12 प्लस 8 × 1 प्लस 6 × ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अभी सबको सम करोगे तो हमारे पास जो ये आए 176 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो ये आपको मिल गया, तो अब देखो डेल्टा टी एफ किसके बराबर होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एफ इंटू मोलैरिटी, हमने रिलेशन फाइंड किया था के एफ इंटू मोलैरिटी। तो के एफ आपको यहाँ पे गिवन है 3.9, और मोलैरिटी आपको पता है किसके बराबर होता था, डब्ल्यू बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, सब कुछ गिवन है, तो डेल्टा टी एफ, अब यहाँ पे देखो डेल्टा टी एफ गिवन है टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5, वहाँ पे हमने फाइंड किया था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी डेल्टा टी एफ गिवन है 1.5, तो 1.5 को सब्स्टिट्यूट कर दो, इज इक्वल टू वेट ऑफ डब्ल्यू बी आपके पास आ जाएगा 3. के एफ आपको गिवन है 3.9 मल्टीप्लाई डब्ल्यू ऑफ बी कितना आएगा ये आपको फाइंड करना है, और मॉलिक्यूलर मास आपको आपने फाइंड कर लिया था 176 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ए। तो इसका वेट कितना था आपको 75 गिवन है, ठीक है। जब इस वैल्यू को सबको सॉल्व करोगे तो यहाँ से डब्ल्यू बी इधर निकालना होगा, तो ये वैल्यू सारी आपको इधर ले जानी पड़ेगी, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगा 5.077 ग्राम, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, सिक्स न्यूमेरिकल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास
कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एग्जर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.0 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास दिस इन 450 मिलीलीटर ऑफ वाटर एट 370 डिग्री सेल्सियस. अब देखो वॉल्यूम कितने, वॉल्यूम किस में गिवन है यहाँ पे, इस इक्वेशन को देखो. अब आपको पता है किसके बराबर होता है ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर होता था पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे लिखते थे पाई. तो क्या इक्वेशन था हमारे पास, पाई बी इज इक्वल टू एन आर डी. तो यहाँ पे वॉल्यूम कितने किस में गिवन है, 450 मिलीलीटर में. तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले लीटर में, 450 मिलीलीटर, उसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, 450 डिवाइडेड बाय 1000 क्या हो जाएगा, 0.45 लीटर. अब इसको मीटर क्यूब में ले लो तो क्या करना पड़ेगा, 0.45 इंटू 10^-3 मीटर क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या किया मैंने, डिवाइडेड बाय कर दिया 10^3 से, 1000 से. ठीक है, तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया. अब देखो टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कर लो. तो केल्विन में जब कन्वर्ट करते हैं तो केल्विन में हमें ऐड करना पड़ेगा कितना, 273. तो ये डिग्री सेल्सियस में है, तो क्या जब 273+37 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 310 केल्विन. टेम्परेचर को हमने कन्वर्ट कर लिया केल्विन में, और ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया. हमें निकालना पाई, निकालना हमें. तो अब पाई का वैल्यू देखो, पाई इक्वल टू पाई वॉल्यूम आपको गिवन था, वॉल्यूम क्या क्या निकाला आपने, मल्टीप्लाई बाय 0.45 इंटू 10^-3. अब यहाँ पे क्या है, एन, एन का वैल्यू क्या है, ये गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स किसका है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. तो कितना वेट है, 1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मोलर मास गिवन है 185,000 इंटू गैस कॉन्सेंट, गैस कॉन्सेंट का वैल्यू था 8.314 मल्टीप्लाई बाय आपका आ जाएगा टेम्परेचर, ये कितना है 310. तो यहाँ पे पाई निकालोगे, इस वैल्यू को इधर ले जाओगे, जब आप सॉल्व करोगे पाई इज इक्वल टू आपको मिलेगा 30.96 पास्कल. ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर है, प्रेशर को हम किस में मेजर करेंगे, पास्कल में. ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा. ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स थे. अब आपको अगर कोई बच्चा इस चैप्टर का टेस्ट देना चाहता है तो मैं क्या करूँगा, आपको क्वेश्चन पेपर इस पे अपलोड कर दूँगा. आप क्या करोगे कि जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दूँगा आप उसको एक पेज पे सॉल्व करके आप मेरी मेल पे मेरे को सेंड कर सकते हो. मेरी मेल अब मैं आपको बता देता हूँ, मेरी मेल रहेगी, उस मेल में आप मेरे को सेंड कर देना, मैं आपको चेक करके, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, जो बच्चे अगर टेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो जो टेस्ट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं. तो उसमें आपको क्वेश्चन होंगे, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के, मेरा मेल है, आप उसमें आप शीट मेरे को भेज सकते हो. मेरा मेल है ajaysingh.singh500@gmail.com. ठीक है, तो टेस्ट में आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप उस टेस्ट को सॉल्व कीजिए और मेरी मेल पे मेरे को सेंड कर दीजिए, मार्क्स चेक करके आपका चैनल पे बता दिया जाएगा. ठीक है गाइज, ओके बाय, थैंक यू.